वेलकम बैक टू माई व्लॉग। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैं शूटिंग करती हूँ। आज ये जो व्लॉग है दोस्तों, ये सारी चीज़ें बताऊंगी कि मैं शूटिंग कैसे करती हूँ, और साथ ही साथ इस व्लॉग में ये भी बताऊंगी कि जब मुझे खाली समय मिलता है, बिल्कुल मेरे लिए पर्सनल समय मिलता है, तो सबसे पहला मेरा फेवरेट काम क्या है। और मेरा वैसे फेवरेट काम है सिलाई करना, स्टिचिंग करना। तो आज मैं थोड़ी सी क्लिप्स आपको ऐड करूँगी। तो मेरे वीडियो की जो मॉडल है वो मेरी बेटी है अनन्या श्रीवास्तव। तो मेरी मॉडल अनन्या, आओ। तो ये है अनन्या, जो कि सारे अपने बालों के तेल के एप्लीकेशन जो है, हेयर मास्क है। मैं अनन्या के बाल पर ही दिखाती हूँ। मैं अपने बाल पर सफ़ेद बालों के जितनी रिकॉर्डिंग होती है वो शूट करती हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरी उम्र हो रही है। मेरे कुछ कुछ बाल सफ़ेद हैं, परंतु मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे तो नहीं हैं। एक उम्र होने के बाद बहुत लंबे तो नहीं होते हैं, और मेरी बेटी के बाल काफ़ी हेल्दी हैं, तो ज़्यादातर मैं वीडियो अपनी बेटी पर ही शूट करती हूँ। तो ये अनन्या आ चुकी है, और आज अनन्या कैमरे को हैंडल कर रही है। मेरे सफ़ेद बाल पर किस तरह से हेयर डाई लगाना है वो आज अनन्या बताएगी। सो गाइस, यहाँ पर मम्मी बिल्कुल रेडी है, मेरा एप्लीकेशन के लिए वेट कर रही है मम्मी की, मैं कब साइड आऊँगी और कब अपनी शूटिंग करूँगी। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मेरी बेटी के बालों पर तेल का एप्लीकेशन बस चालू ही होने वाला है। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से वो एप्लीकेशन करेगी अभी। सो गाइज, अभी बज रहे हैं शाम के 4। मैं आ चुकी थी अपने कॉलेज से, और अब मैं मम्मी के साथ करवा रही हूँ शूटिंग। तो मम्मी क्या कर रही हो? तो ये टाइम हमारे शूटिंग का रहता है दोस्तों, 4 बजे से 6 बजे तक हम लोग शूटिंग करते हैं। कई बार थोड़ा मेरी बेटी के बालों के एप्लीकेशन के ऊपर भी रहता है, यदि जल्दी कॉलेज से आ जाती है तो हमारे थोड़े वीडियो जल्दी शूट हो जाते हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए वजन कम करने की बहुत बढ़िया रेमेडी, जिसमें मैंने इस्तेमाल किया है गार्लिक का और एप्पल का। ये नेक्स्ट वीडियो का है मम्मी सामान, ये है तेल, बालों में तेल कैसे लगाएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कलौंजी ली है, इसे ब्लैक क्यूमिन सीड कहते हैं, बहुत बढ़िया है बालों के लिए दोस्तों। गंजेपन की समस्या को दूर करता है कलौंजी का एप्लीकेशन भी और कलौंजी का कंजप्शन भी। दूसरा, मैंने यहाँ पर तेल लिया है, तो इस तेल में थोड़ा सा तेल की बॉटल मेरी लीक कर रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी से सहारा दिया है। और इसमें अब आपको डालना है 1/2 चम्मच कलौंजी, और ये बनेगा, इसको 2 से 3 दिन आप धूप में रखें, थोड़ा सा और डाल दें ताकि कलौंजी का सारा एक्सट्रैक्ट इसमें आ जाए। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आप चाहें तो कलौंजी का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो सारी तैयारियां करके रखी है, देखिए कुछ कलौंजी का पाउडर मैंने यहाँ पीस कर रखा। तो मम्मी अब ये क्या नेक्स्ट वीडियो है आपकी? ये मैंने एप्पल सिडर विनेगर के साथ पीना बताया है, इसे एप्पल सिडर विनेगर को गर्म पानी के साथ पीने से भी दोस्तों वजन भी बहुत तेजी से कम होता है, कोलेस्ट्रॉल की परेशानी कम होती है। और सो गाइस, यहाँ पर बस हम अपनी अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने वाले हैं। बस रिकॉर्डिंग हो जाए उसके बाद मम्मी के पास थोड़ा टाइम है। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने एक कुर्ता ऑनलाइन ऑर्डर करा था, बट वो थोड़ी लूज साइज का आ गया है, तो मम्मी उसको मेरे लिए ऑल्टर कर देगी। तो इसका मतलब दोस्तों, इसके बाद शूटिंग के बाद मुझे मेरी बेटी सिलाई का भी काम दे रही, क्योंकि कल उसको वो ड्रेस कॉलेज पहन कर जाना है, और ड्रेस बहुत ज़्यादा ढीली भी है, बहुत ज़्यादा लंबी भी है, तो स्टिचिंग का काम भी बच्चे मुझे ही दे दिए हैं। थैंक्स क्यूटी। सो गाइस, यहाँ पर मम्मी कर रही है स्टिचिंग, मेरे कुर्ते को कर रही है ऑल्टर। तो इस तरह से मैं सिलाई भी करती हूँ, मुझे सिलाई करना बहुत पसंद है। मैंने बहुत स्पेशल कोर्स किया था जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। और ये देखिए, मैंने अनन्या का ये जो कुर्ता है, और इसमें बहुत अच्छी मैंने सिलाई कर दी है ऑरेंज में, बिल्कुल सेम कलर का तो मुझे धागा नहीं मिल पाया, आज मेरे पास नहीं था, तो मैंने इस तरह से इसमें स्टिचिंग कर दी। तो मुझे ऐसा लग रहा है इसकी अनन्या के लिए ये बहुत ज़्यादा लंबा है, और इससे मैं थोड़ी सी इसमें कटिंग भी कर देती हूँ ताकि बिल्कुल सही प्रोपोर्शनेट हो जाए। और उसके बाद फिर मैं यहाँ से सिलाई भी मारूंगी, थोड़ा सा इस तरह से मैं कटिंग करती जा रही हूँ इसकी। तो ये देखिए गाइस, मैं बहुत अच्छी तरह से सिलाई कर रही हूँ, और मैंने अपनी अनन्या के इस कुर्ते को करीब करीब पूरा ठीक कर दिया है, थोड़ी सी सिलाई और बची है, बस 1/2 घंटे के अंदर ये कुर्ता बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने अनन्या की ड्रेस को अल्टर कर दिया है, बिल्कुल सही फिटिंग है। ये देखिए, पूरी ड्रेस दिखाती हूँ आपको, ये बहुत लंबी भी थी और बहुत ढीली थी। कुर्ता है अम्ब्रेला कट का, देख सकते हैं आप। तो कैसा लगा दोस्तों? सो गाइस, आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया होगा तो व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा। हमारे चैनल के ऊपर, शिखास किचन चैनल के ऊपर नए हैं तो उसे जल्दी सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके अपने सजेशन जरूर दीजिए, क्योंकि जस्ट जैसे आपको पता है हमने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, तो आपके सजेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करिए,
और इस वीडियो को शेयर करिए। और इस वीडियो में मैंने बहुत सारे व्लॉग में आप लोगों को बताया है शूटिंग कैसे करती हूँ, ये भी क्लिप जोड़ी है मैंने, सिलाई किस तरह से करती हूँ, सारी चीजें बताई हूँ। इस तरह के और किस तरह के आप टॉपिक चाहते हैं व्लॉग में, आप लोग कमेंट जरूर करें। तो गाइस अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, क्या क्या चीजें आप चाहते हैं हमसे और क्या क्या हम आपको डेली रूटीन का दिखाएं।